domain and main. ठीक है, डोमेन हमारे पास इनपुट होती है, रेंज हमारे पास आउटपुट. आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी ये वाली, ये हमारे पास कोई भी इनपुट है और कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकलेगा आउटपुट. हाँ जी, हाँ जी सर, आप एक मिनट में कल वाला लेक्चर रिवाइज करवा देंगे? सिर्फ एक मिनट में, वो बस उसका थोरोली मुझे वो दे दें. हाँ, कल वाला लेक्चर लिए नहीं था, आज हमने स्टार्ट करना है. नहीं तो फन चले ठीक. तो डोमेन होती है हमारे पास, आपको उस दिन भी बताया था, डोमेन होती है हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से. और रेंज वही होती है जिस पॉइंट पे मतलब वो आंसर देता है. जैसे आपको बताया था किन दो कंडीशंस पे आंसर नहीं देता, जब जीरो आ जाए ओवर में या अंडर रूट के अंदर आ जाए माइनस, इन दो कंडीशन में हमारे पास आंसर नहीं निकलता किसी का भी. उसकी डोमेन में से मतलब वो पॉइंट्स हमने माइनस करने होते हैं. हमने 11 चैप्टर में डिस्कस किया था. और ये म्यूट करें भी अपने आप को सर, ये शाहदेव के माइक से आवाजें आती हैं. अच्छा भी सर, मेरा माइक तब से अनम्यूट है. चलो ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे डोमेन और रेंज साइन और कॉस की. साइन और कॉस की जो डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होती है, वो जो चैप्टर नंबर 11 में हमने डिस्कस की थी, वो एक टेबल बनाया नहीं था हमने चैप्टर नंबर 11 में. यस सर. तो उसी तरह हमारे पास इसमें भी हमने डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट है ना, वही हमारे पास सेम होगा. लेकिन जब इनवर्स आता है, इनवर्स में उल्ट हो जाता है काम. क्या होता है उल्ट? फिर आएगा. अगर हमारे पास, हमने लास्ट टाइम देखे फर्स्ट वन हम लिखते हैं इधर, अच्छा फर्स्ट वन थी हमारे पास साइन, साइन ऑफ एक्स की हम डोमेन देखते हैं. साइन ऑफ एक्स की हमारे पास डोमेन क्या होती है? डोमेन थी हमारे पास माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक. याद है कि नहीं? यस सर. और रेंज इसकी हमारे पास थी, रेंज इसकी दोनों की आपको बताई थी, माइनस वन से लेके प्लस वन तक. ठीक हो गया ना? ये डोमेन थी और ये हमारे पास रेंज थी इसकी. ठीक हो गया. अब इसमें हमने देखना ये, उसमें था सिंपल साइन फंक्शन और इसका हमने पीरियड डिस्कस किया था साइन का. ठीक है, अब हमने इधर डिस्कस करना है, इसमें पीरियड तो डिस्कस करना ही करना है. अब इधर डोमेन और रेंज है हमारे पास. जब हम देखते हैं साइन इनवर्स की, जब हम देखते हैं ना इधर साइन इनवर्स की, तो वो हमारे पास, आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी बस, या डोमेन रेंज याद कर लो मतलब ये साइन फंक्शन की, या उसके इनवर्स की याद कर लो, ये दोनों ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे. इनवर्स में ये होता है जो डोमेन होती है, इनवर्स फंक्शन बेसिकली यही बताता है ना. अब ये इनपुट थी, अब ये हमारे पास थी इनपुट और ये हमारे पास थी आउटपुट फंक्शन अप्लाई करने के बाद. डोमेन और रेंज मतलब ये डोमेन थी, ये रेंज थी. इनवर्स में क्या होगा? उल्ट होता है ना काम. इधर से हमने मूव करना है दूसरी तरफ. जब दूसरी तरफ हम मूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये उसकी डोमेन हो जाएगी और ये उसकी क्या हो जाएगी? रेंज. रेंज. ठीक हो गया ना? क्लियर होगा? अब इसी तरह साइन की हमारे पास डोमेन क्या होगी? साइन इनवर्स की माइनस वन लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू वन. ये जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी और जो इसकी डोमेन थी वो इसकी क्या बन जाएगी? रेंज. रेंज बन जाएगी. तो क्लियर हो गया? यस सर. इसी तरह मतलब जस्ट आपने वो जो 11 चैप्टर में था ना, चैप्टर नंबर 11 में
चैप्टर नंबर 11 में जो टेबल था हमारे पास इसका डोमेन और रेंज का, वो आपने याद कर लेना है। उधर से मतलब आपको डोमेन रेंज अगर याद होती है तो वही डोमेन और रेंज को हमने रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्ट कर देना है। जो उसकी डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। अब 13 चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं इनवर्स फंक्शन को। इनवर्स फंक्शन में हमारे पास हो जाएगा इसका टेबल, याद कर लोगे? 11 से करना है, 11 से कर ले, मतलब चैप्टर नंबर 11 से कर ले। इसमें यही था जो हमारे पास, जो उसमें उसमें ये बस इतना दिया हुआ है, sin x का फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, डोमेन और ये रेंज। अब इसमें हमारे पास इनवर्स में क्या हो गया है, वही जो रेंज थी वो इसकी डोमेन है, जो डोमेन थी इसकी साइन की वो इसकी रेंज बन जाएगी। बस फर्क ये आना है बस इसमें ना, इनवर्स फंक्शन में। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब ये हमारे पास कहता है कि इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, इन फंक्शंस की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ना। अब लेट्स सपोज ये देखें, साइन इनवर्स ऑफ वन कहता है इसकी वैल्यू हमारे पास कब होती है, साइन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब 90 पे होती है सर। हाँ, इनवर्स हमारे पास हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, वो कह रहा है एवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल। आपको वो जो 90 तक का टेबल जो बताया है ना, जो 90 तक टेबल है आपके पास, उसी टेबल को आपने यूज करना है। मतलब उसमें देखो वन होता है, उसमें बेसिकली वैल्यू कौन सी होती है, वन, वन बाय टू, अंडर रूट थ्री बाय, अंडर रूट थ्री बाय टू, और कौन सी होती है, वन ओवर अंडर रूट टू और जीरो। ये तीन चार वैल्यू होती है ना। यस सर। तो अब ये देखो, इन सभी में हमारे पास वही वैल्यूज आ रही है, वन अंडर रूट थ्री बाय टू, वन बाय टू, वन बाय अंडर रूट थ्री, ये आनी थी वन बाय अंडर रूट थ्री, इधर आनी थी वो जो टेन में आती है हमारे पास, वन बाय अंडर रूट थ्री माइनस टू, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये माइनस वन और ये अंडर रूट थ्री बाय टू का रेसिप्रोकल होगा, टू बाय। अब ये कह रहा है कि हमने विदाउट कैलकुलेटर यूज किए हुए हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चेक करते हैं हम क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में ना। हमने सपोज कर लेना इनको y के इक्वल सपोज करने के बाद हमने साइन को दूसरी तरफ ले जाना है, और हमने चेक करना है कि साइन की कौन सी वैल्यू पुट करें उसका जवाब, मतलब जो गिवन है वो जवाब आएगा। अब ये देखिए, ये माइक किसका ऑन रहता है, माइक सभी का म्यूट में, एक मिनट अब बोले ना भाई। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन था सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास ये वाला दिया हुआ, उसने कहता है वाई, हमने ये उसने सिंपल दिया हुआ, कहता है साइन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू क्या होती है, किस पे वैल्यू आती है, मतलब वन, वो हमने चेक करनी है। हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया उसको वाई के बराबर सपोज किया, साइन इधर इनवर्स है दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू वन। अब हमें पता है ये क्या लिखा हुआ है उसने, ये कौन बताएगा मुझे, ये क्या लिखा हुआ है, डोमेन। शाबाश, अभी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि साइन की डोमेन हम बेसिकली हमारे पास क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, ठीक हो गया ना। सवाल कर रहे हैं, ये है ही नहीं है, ये है ही नहीं, चलो है ही नहीं, अब हो गया, ये हो गया सर, ये नहीं, चलो अब तो ये हो गया सर, तीसरा है, चौथा, ठीक हो गया, कोई नहीं, ये भी देख लो ना, अब हो गया छठा। अब हमने देखना था कि मतलब उसकी हम कौन सी वैल्यू पुट करें इन फंक्शंस में से, इन डोमेन में से कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास आंसर उसका वन आए।
तो वो हमारे पास फाइव बाई टू ही है। अगर माइनस फाइव बाई टू पुट करेंगे तो आपको पता साइन माइनस बाहर निकाल माइनस में आएगा देगा, हाँ माइनस में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था। अब इसका कौन सा क्वेश्चन करना है, पार्ट कौन सा करना है, थर्ड तीसरा? यस सर, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स और नाइन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास ये देखें, क्वेश्चन उसने ये दिया हुआ था, हमने उसको सपोज कर लिया किसके बराबर, वाई के बराबर। जब वाई के बराबर सपोज किया तो कॉस दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, सिंपल कॉस बन गया, कॉस वाई इक्वल टू, ये उसकी डोमेन लिखी हुई है कॉस की ना। अब ये देखें हमारे पास इसमें इसने क्या किया है, अहमद, अच्छा भाई अब ये देखें, ये हमने चेक करना था कि ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाला, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने मतलब जितने भी आंसर है वो वाला फॉर्मूला ए वाला, ऑल साइन टैन टैन कॉस और ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब हमने देखना है कि इसका आंसर फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही रखना है, मतलब वही वैल्यू हमने पुट करनी है। वो वैल्यू कौन सी है हमारे पास, मतलब जो भी वैल्यूज आएंगी ना वो सारी की सारी हमने पॉजिटिव यही वैल्यू रखनी है, मतलब 90 तक, क्योंकि आपको मैंने बोला है ना कि 90 तक की उसकी जो वैल्यू गिवन होती है। माइनस माइनस जो आएगा वो हमारे पास इस तरह लिख लेंगे, माइनस फाइव बाई टू, अगर माइनस फाइव बाई सिक्स वो हम इस तरह लिख लेंगे, वो जो माइनस उसका बाहर निकल आता है। अब ये देखें कॉस फाइव बाई सिक्स, कॉस थर्टी पे जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास ये आता है। एक दफा वो टेबल रिवाइज कर लेना ना, आपको ये सारी वैल्यूज जुबानी याद हो जाएंगी। ठीक हो गया। अरे इसका इसको अगर कैलकुलेटर से कर ले फिर इधर सही तरह लिख पे, और उधर तो कैलकुलेटर लेके जाना है, कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा ना, आप कर सकते हैं उधर कैलकुलेटर पे, लेकिन इसको उसको करना इस मेथड से, मतलब डेट ही नहीं करना, कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 3 बाय 2 इक्वल टू 5 बाय 6 ये नहीं लिख देना, ये स्टेप करना, ये एक स्टेप करने के बाद आप कैलकुलेटर से यूज करके ये आंसर लिख सकते हो। ठीक हो गया। इसकी डोमेन डोमेन लिखनी लाजमी है, ये आप लिख ले, आपको फिर आइडिया हो जाता है ना इससे कि आपने किधर इस हदूद से बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट सर ऊपर करें सिर्फ एक सेकंड। यस ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, जी सर फोर्थ है। यस सर अच्छा भी ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी वही स्टेटमेंट है हमारे पास, उसी तरह टैन इनवर्स, टैन को दूसरी तरफ लेके आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर मालूम कर सकते हैं, टैन इनवर्स माइनस वन ओवर रूट थ्री पुट करेंगे। अब ये देखें हमें ये तो इंश्योर है, हमें ये तो इंश्योर है इधर कि हमारे पास वैल्यू किस पे आती है, पाई बाय सिक्स पे, लेकिन ये माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस पहले ही जो लगा हुआ है इधर उसको वैसे का वैसे। ठीक हो गया ना, तो हमने ये देखना है कि टैन का माइनस कैसे बाहर निकल आता है, इधर लिखते हैं हम टैन, बल्कि ये लिखा हुआ है इसमें, ये नीचे लिखा हुआ है टैन माइनस फाइव बाई सिक्स, टैन का माइनस बाहर आ गया और इधर हम लिखेंगे टैन फाइव बाय सिक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री। ठीक हो गया। इसकी इसकी ब्रैकेट क्यों खुली हुई है, इसकी ब्रैकेट्स क्यों खुली हुई हैं, क्योंकि हमारे पास इसका हमारे पास आप देखोगे ना जब डोमेन, ये कौन बोल रहा है, ये वाली सर पागल से बच्चा है वही, चलो चुप करो भी। अच्छा भी इसकी ब्रैकेट्स क्यों खुली हुई हैं, इसका जब भी मुंह क्लोज होगा ना तो इसका मतलब वो वाले पॉइंट्स भी शामिल है, लेट्स सपोज वन और टू, अगर देखते हैं वन और टू के दरमियान हजारों पॉइंट्स आते हैं, लेकिन वन और टू भी उसमें शामिल है उसकी डोमेन में ना। अब इसमें इसमें मुंह ओपन कर दिया है, आपको पता होगा कि टेन नाइनटी जब लेते हैं ना, टेन नाइनटी बेशक प्लस वाला लो या नेगेटिव वाला, उसका आंसर आता है इनफिनिटी आता है सर, इसलिए उसने कहा ये वाले पॉइंट शामिल ही है, इसके दरमियान वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो वाले पॉइंट्स क्या होंगे, शामिल होंगे। हाफिज साहब क्लियर, क्लियर सर ओके। अच्छा अभी नेक्स्ट, अच्छा अभी ये खुद ही कर लेना, अब नेक्स्ट जो है इनके पार्ट्स है ना, ये तो सिंपल है, मतलब जिसे कहते हैं ठीक है सर, हाँ ये हलवा बच्चों वाला काम है, हलवाई है।
हाफ साहब के लिए। नहीं सर मैं नहीं हलवा खाता, खीर खाता हाफज खाते बहुत है हलवा। चले सही हो गया। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कोई देख लो, अगर कोई इसमें से पार्ट और करवाना है तो मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट कौन से हाफिज साहब? सर दूसरा पूरा ही है, दूसरा के तीन के तीन है, दूसरे के तीन के तीन है। अच्छा अभी दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या है रहा है? दूसरा क्वेश्चन किधर है सर? ये क्वेश्चन हाँ ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास उसकी स्टेटमेंट इजाफा पढ़ना। विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट। चले ठीक है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नहीं, नहीं। आप सब पढ़ लीजिए। इजाफा सो हो गया जी जी हाफ साहब। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर शो दैट आगे आपके सामने। अच्छा tan inverse 5 by 2 is equal to sin inverse 5 by 13. tan inverse 5 by 2 5 by 2 5 by 12 is equal to sin inverse 5 by 13. sin inverse 5 by 13 ठीक हो गया। अब इधर से हमने ना मतलब इन क्वेश्चन जितने भी ये वाले क्वेश्चन होंगे इन सभी क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने सपोज कर लिया, ये देखें कहता है सपोज कर लिया हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसकी सॉरी राइट हैंड साइड उसको लेके मूव ऑन करने लगे आगे चलते हैं हम। अब इसमें किया क्या उसने, इसने सपोज किया जैसे पिछला क्वेश्चन वही जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी यही सपोज ही करते थे ना, उधर हम वाई के बराबर सपोज करते थे, इधर इसने अल्फा के बराबर सपोज कर लिया, इधर भी वाई के बराबर कर लोगे कोई इशू नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग रखनी है? हाँ ठीक। तो कोई भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो। अब इसमें तो हमें पता था ना कि हमें मतलब कोस भी चाहिए, ये साइन है तो साइन के साथ हमें कोस भी चाहिए टैन प्रूव करने के लिए, तो वही काम करने लगे। तो हमने इसको सपोज कर लिया ये सारे के सारे को अल्फा के बराबर साइन इनवर्स 5/13, यहाँ से इधर साइन आके क्या बन गया साइन अल्फा इक्वल टू 5/13। हमें को इसका फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होंगी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज जिसे कहते हैं, जिसमें आता है पीपल हैव साइन पीपल हैव प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इधर से हमारे पास कोस यहां पे अल्फा ही बोल दो आप, ये अल्फा ही बोल दो कोस अल्फा, इधर से हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखें साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो इस क्वेश्चन में हमने पुट कर दी 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व जब करेंगे तब हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। एक मिनट जैसे ये जो है ना बोर्ड मार कर इसको चाहिए कि इधर ही रहे जहाँ हमने इसको लगाया हुआ है, अगले पेज पे अगला हो। अच्छा अभी इधर से ये देखें कोस की हमारे पास वैल्यू निकल आई है, कोस की वैल्यू क्या निकल आई है उसी फार्मूले के जरिए, कोस की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/13। हमें पता है अब टैन अल्फा जो किसके बराबर होता है साइन अल्फा ओवर ये लिखा हुआ कोस अल्फा। यस यस सर ठीक है ना, टैन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। अभी यहाँ से देखें हमारे पास साइन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 5/13, कोस अल्फा की वैल्यू हमने निकाली 12/13, 13 से कैंसिल 5/12 आ गया। अब टैन दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, ये माइनस कौन है सर, क्या हुआ है ये अनस कौन है सर, ये बायोगा है, बायोगा सर ये बायो का आ गया। चलें इसको बुखाते हैं अभी, एक मिनट वेट करना। काफी सारे आंसर सर, तीन नहीं आंसर बायो गए हैं, कोई नया तीन आंसर तीन नहीं बायो गए हैं सर, मैसेज आया बायो वाले सर नहीं आए, अब वो मस्तियां कर रहे हैं। चलें मैंने इसलिए पूछ लिया, मैंने कहा अनस तो सुना ही नहीं नाम मैंने, अभी ज्वाइन हो रहा है बायो वाला सर। हाँ हाँ ठीक है कर लेते हैं इसको, चवले मारनी ना करें, चले इसको अभी रिमूव कर देते हैं।
केड़ा वक्त लगेगा ये कौन था बस ऐसा मैं स्टेटस देख रहा था अनस किधर गया तो भाग गया मैं वो पहले चला गया अच्छा अभी ये देखें इधर से हमारे पास जो क्वेश्चन था ये बन गया था 5/12 टेन दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा इधर बन जाएगा टेन इनवर्स 5/12 शुरू में हमने स्टार्टिंग पे अल्फा किसको सपोज किया हुआ था अल्फा हमने सपोज किया था साइन इनवर्स 5/13 इधर से साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू किसके आ गया टेन इनवर्स 5/12 के बराबर ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी हमने उसकी राइट हैंड साइड लेके चले राइट हैंड साइड लेके एट द एंड हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी क्लियर है इधर तक यस सर यस सर ठीक हो गया ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है इनमें से शॉर्ट मे बी कन्फर्म नहीं मे बी आने के चांस होते हैं बहुत कम है इनके चांसेस होते हैं जो पहले वाला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज में आता है जो पहला क्वेश्चन है वो सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप है क्वेश्चन यस सर वो बल्कि एमसीक्यूज आते नहीं है आता है पेपर में मतलब अच्छा एक ही आता है हाँ आना है सर अगला है 2 cos inverse एक मिनट लिखवाना 2 cos inverse 2 cos 4/5 ये कौन सी इंग्लिश है इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25 अच्छा भी अब ये देखें उसी तरह अब इसमें हमारे पास उसने क्या कर लिया इसको लेफ्ट हैंड साइड को अब इनमें से आपकी मर्जी है दोनों साइड्स को प्रूव कर सकते हैं आप लेफ्ट को भी लिख सकते हैं राइट को भी ले सकते हैं दोनों आपकी मर्जी है जिधर से मतलब प्रूफ करना है ना तो उधर से कर सकते हैं क्योंकि अब हमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है कि कोई चीज़ हमने मालूम और करनी है हमने एक ही साइड उसकी देखनी है राइट है या लेफ्ट है कोई भी देख के उसको लेके चल पड़ना है अब इधर से हमने उसकी ले ली लेफ्ट हैंड साइड उसको हमने अल्फा सपोज कर लिया ये 2 इधर जाके क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई हो गया था उसके नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया तो cos दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा सिंपल cos रह जाएगा ये देखें पहले 2 इधर आके डिवाइड हो गया इधर आके cos इनवर्स ऑफ 4/5 अगले स्टेप में हमारे पास cos दूसरी तरफ जाके क्या हो गया सिंपल cos अल्फा बाय 2 4/5 अच्छा भी इसने थोड़ा सा ना ये फार्मूला हाफ एंगल का फार्मूला यूज कर लिया हाफ एंगल का फार्मूला आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा कर तो लेंगे आप ऐसे भी करना है ऐसे कर लें ये भी ठीक है आंसर उसी तरह ही मतलब सेम ही आएगा कोज अल्फा की वैल्यू थी साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एट द एंड हमने क्या किया उसको रेसिप्रोकल कर लिया उधर ही चेंज कर लिया अगर हम यही क्वेश्चन इधर मैं करता हूँ स्टेटमेंट एंड साइड पे अगर यही क्वेश्चन हम लेके चलते हैं इस तरीके से कि हमारे पास था 2 cos inverse of 4/5 इक्वल टू साइन इनवर्स आप सब बोलना साइन इनवर्स 24/25 आप बेशक इसको सपोज कर लें जैसे इसने किया है ना जब इसको सपोज करेंगे ना इसमें फिर आपको हाफ एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा ये देखिए ना इसमें तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाना था इसमें अगर ये हम पुट करते हैं अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25 तो इधर से साइन अल्फा क्या बन जाएगा हमारे पास सॉरी सिंपल साइन अल्फा ये ऊपर कुछ नहीं आएगा साइन अल्फा सीधा साइन अल्फा इक्वल टू 24/25 अब इधर से हमने क्या मालूम करना है कोज अल्फा ठीक है कोज अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कोज अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास वही है जो हमारे पास इनिशियल में गिवन है
और कुछ इसको ये एक सवाल इस तरह भी हो गया जो इसने किया हुआ है, दूसरा सवाल इस मेथड से, तीसरा मेथड भी इसका ये है कि आप सिंपल इन दोनों को, इसको पुट कर देता है वो अल्फा, इसको पुट करता है अल्फा, तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन सिंपल साइन टू अल्फा बनेगा। साइन टू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर, टू साइन अल्फा कोस यस सर, कोस अल्फा। अल्फा। इसमें साइन और कोस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा एट द एंड भी, अगर ये वाला फॉर्मूला हम करते हैं इस मेथड से भी ना। मैं इसको नोटबुक पे करता हूँ, एक मिनट है ना, आपको करके दिखाता हूँ अभी। खैर ये वाला तो नीचे करें। नोटबुक पे करते हैं ना, नोटबुक पे। हाँ अच्छा ठीक है, अगर ये वाला करना है, ये वाला भी उसी तरह ही है, इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगता है। हाफ एंगल फार्मूला सर आसान ही है। आसान ही है, बाज का ऐसा होता है कि हाफ एंगल फार्मूला ना भूल जाता है, डबल एंगल स्पेशल ऐसा फार्मूला है जो डबल एंगल फार्मूला है ना वो भूलता नहीं है। हाफ एंगल फार्मूला में हमने मतलब हाफ एंगल फार्मूला इसमें भी पढ़ा है, और हाफ एंगल हमने 10वें चैप्टर में भी डिस्कस किया था जी। हाफ साहब स्टेटमेंट क्या थी, टू कोज इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू, 24/5 सर। हाँ जी, 4/5 इज इक्वल टू साइन यस सर, इनवर्स 24/25, साइन इनवर्स 24/5। 25। अच्छा भाई अब अच्छा सर, इसमें एक देखो, मैंने आपको एक मैसेज किया है। ओके मैं चेक करता हूँ, आया तो है मैसेज। देख के बताएं सर। ओके 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 देखते हैं इसका भी करते हैं कुछ। 4/5 इसको सपोज कर लिया हमने किसके बराबर, अल्फा के बराबर, तो इधर से हमारे पास कोस अल्फा क्या बन गया 4/5, साइन अल्फा क्या बनेगा बोलो, तू किधर गया सर? हाँ वो भी कुछ नहीं किया हमने, जस्ट अंदर वाले को पुट कर लिया, ये जो अंदर वाला पोर्शन था ना, ये जो अंदर वाला पोर्शन था उसको ही हमने पुट कर लिया बस, तो इधर से हमारे पास क्या बन गया 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा। स्क्वायर अल्फा तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 1 16/25। ओके 25 में से 16 निकालेंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, 9/25। गॉट इट, सर ये साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कौन सा वैसे फार्मूला है? यार हाफा साहब जानते हो, कसम से साइन नहीं टू पता चल रहा अल्फा है साइन स्क्वेयर ए, अल्फा तूने सर ये लास्ट स्टेप पे क्या चैप्टर किया? कैसे किया नो मेरे प्लस दोस्तों, कोस स्क्वेयर अल्फा सर ये लास्ट स्टेप क्या स्टेटमेंट से किया सर? इक्वल टू सर वन। ये तो अच्छा सिंपल फार्मूला है। उधर से ठीक है हमारे पास ठीक है निकला, सर, ठीक है ये देखिए इसमें ये किया 25 में से 16 माइनस करने तो आंसर कितना आना था, ये एक स्टेप मैंने मिस किया था इसमें से ना, इधर लिखना था 25 और इधर आ जाना था 25 एलसीएम लेना। एलसीएम लेके ना, ये आ जाना था। अगले स्टेप भी ये आ गया, जवाब क्या आ गया 3/5। 5 अब कोस का आंसर भी हमारे पास मौजूद है, ये 16 किधर से कौन आया? सा 16 चार का स्केयर करें कितना होता है, सही 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 चार सही और पांच का, ठीक हो ना। ओ जाओ ठीक है यार, ठीक है। बस बस भाई यार बस दूसरी भाई वाली बस समझ भाई, आता है हौसला क्या? हौसला हौसला। यहां से ये देखें हमारे पास साइन, अब ये साइन दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, साइन टू अल्फा, क्योंकि हमने इसको सपोज किया हुआ है अल्फा बराबर यस 24 सर, ओवर 25। साइन टू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन साइन टू साइन अल्फा टू साइन कोस अल्फा अल्फा कॉस कोस अल्फा अल्फा इक्वल टू 24/25। ठीक फाइव। है अब ये देखें टू फॉर्मूले वाला साइन का आंसर क्या है, 3/5, और कोस का आंसर क्या है 4/5। फोर ओवर फाइव अब ये देखें 24/5 बराबर जो जा रहा है हमारे पास, इधर 24/5, इधर भी क्या बन गया हमारे पास, प्रूव हुआ कि नहीं, 3 2 बार 6, सर, ट्वेंटी फोर इधर ओवर फाइव आ जाता है। भी क्या बन गया हमारे पास 24/25। 24/25 एक मेथड ये भी है, इस मेथड से अभी आप प्रूव कर सकते हैं, ये 3 मेथड हैं इसके, अब जो आपको इजी लगता है उस मेथड से सॉल्व कर लेना। सर वो वाला दिखाए। हाँ
हाँ अब वो वाला दिखाते हैं, एक मिनट वो वेबसाइट से मिल जाते हैं। अच्छा अभी ये मेथड देखें, इस मेथड में इसने क्या किया था, इस मेथड में इसने कोज को जब पूरे को पुट कर लिया था, हमने तो इधर पूरे को पुट नहीं ना किया, हमने तो जस्ट कोज को पुट किया था, इसने टू भी जो उसके साथ आ रहा था उसको भी सारी वैल्यूज को जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही थी उस सारी वैल्यू को अल्फा के बराबर पुट कर लिया, टू इधर आके डिवाइड हो गया, कोज दूसरी तरफ जाके बन गया कोज अल्फा बाय टू इक्वल टू फोर ओवर फाइव, इधर से साइन अल्फा बाय टू का फार्मूला उसने वही फार्मूला जो हमने पहले लगाया था। हाँ फ्रेंड जाफा साहब किधर चले गए थे? हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला वही उसमें आ जाएगा ना, हाफ एंगल नहीं इसमें, इसमें हमारे पास वही फार्मूला जो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन, वही फार्मूला हमने जब लगाया तो वैल्यू क्या आ गई, उसमें भी थ्री ओवर फाइव आई थी, इसमें भी थ्री ओवर फाइव ही आई है। अब ये देखें सर इसकी डोमेन तो साइन की कुछ और नहीं होती, इसकी साइन की, साइन की ये वो क्या है, ये जीरो टू टू पाई, ये जीरो टू पाई क्या है? हाँ अल्फा बाय कोई बताएगा इसका जवाब? इसका आप साहब ये देखें, पहले क्वाड्रेंट 90 तक, दूसरा क्वाड्रेंट 180 तक, साइन पॉजिटिव उसने कहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, देयरफॉर साइन इज पॉजिटिव जीरो से पाई तक, लगी समझ के नहीं? ठीक है हमें पता लगना है, हमें क्या पता लगना कहाँ से फार्मूला आया, अब साइन अल्फा का कहाँ क्यों पुट करना है इसमें, क्योंकि हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है और कोज अल्फा बाय टू की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू है, साइन आपको ये फार्मूला डबल एंगल, अगर इधर टू हो तो उधर अल्फा होता है, अगर इधर अल्फा है तो इधर क्या बनेगा, अल्फा बाय टू अल्फा कोज अल्फा बाय टू, साइन अल्फा बाय टू की वैल्यू पुट की, कोज अल्फा बाय टू की वैल्यू पुट की, तो आंसर क्या आ गया 24, साइन अपनी जगह पे चला गया दोबारा एट द एंड स्टेप में, साइन अपनी दोबारा जगह पे चला गया और अल्फा की वैल्यू हमने क्या पुट की हुई थी वो पुट कर दी, देख लो जो आपको इजी लगता है वो मेथड यूज कर लो। सर 3 मिनट रह गए, मेरा मैसेज पढ़े। ओके सर मुझे तो ये वाला लग रहा है इजी, चले जो वही ना जो जो अपनी अपनी पसंद। हाँ ये देखो अभी कहाँ गया, कहाँ गया ये देखें भी हमारे पास बात वैसे बोल दो बस भाई ये हमारे पास बोलने वाला नहीं है ना, ये देखो दो उसके नीचे आ गया अल्फा के नीचे, दो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कोज इधर आके क्या हो जाएगा, सिंपल ये लिख दिया कोज अल्फा बाय टू और ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट, उधर से हमने साइन अल्फा बाय टू निकाला, फिर एट द एंड हमने साइन अल्फा का फार्मूला खोल दिया, साइन अल्फा का डबल एंगल फार्मूला जो है ना 2 साइन अल्फा बाय 2 कोज अल्फा बाय 2, ये वाला फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद जो एंड पे आंसर आया तो वो हमने उसको क्लैरिफाई कर लिया, क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है सर, पढ़े सर चलें बेशक। यस सर अच्छा जो टेस्ट है ना, टेस्ट हम करेंगे, एकेडमी वालों ने अभी कोई इसके बारे में ना हमें बताया नहीं है, और दूसरा एकेडमी वाले आप लोगों को याद भी कर फहद है, फहद मैं तेरे घर आ जाना अब, फहद बस सिर्फ आते हैं अब। अच्छा भी ये थर्ड क्वेश्चन वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला वही अप्लाई करने के बाद साइन और कॉस की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, उसमें सबसे पहले वाले में क्या किया था हमने, टेन मालूम किया था ना, टेन का फार्मूला था साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसमें हमारे पास कोट अल्फा का फार्मूला क्या है, कोज अल्फा ओवर साइन अल्फा, तो हमारे पास इसका भी आंसर उसी तरह आ जाएगा। अच्छा भी अब ये तो एकेडमी वाले क्यों याद कर रहे हैं, एकेडमी वाले कह रहे थे कि आके हमें दे दे। अच्छा ठीक है ठीक हो गया ना, और दूसरा ये है कि कल मेरी छुट्टी है, कल ऑफ होगा। ओके सर क्यों सर, अभी संडे को फीस
सर अगर फीस ना भरे, हाँ अगर फीस ना भरे, कल टेस्ट है हमारा, कल मेरा टेस्ट है, कहाँ पे सर? दुआ करनी है आप साहब, आपने स्पेशली ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन सा टेस्ट है सर? इंशाल्लाह करेंगे, कहाँ पे है आपका टेस्ट? मेरा टेस्ट इधर फैसलाबाद में है, एक जॉब के लिए ना, दुआ करना अल्लाह खैर। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। कौन से फल में सर? हाँ हाँ वो इंशाल्लाह बताएंगे आपको ना यार, आपने देना है क्या ऑफिस को? नहीं वैसे पूछना चाहिए यार, आप सब स्पेशली दुआएं करना आप इंशाल्लाह सर। हाँ चलिए एक मिनट पे जाके सर की सिफारिश करेंगे तहज्जुद की नमाज में आप साहब, एक मिनट से कम रह गया। अच्छा सर ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में दे दीजिएगा सेंड कर देंगे सर। आपने ग्रुप में बायो वाले लड़के भी होते हैं वो फिर ना तंग होते हैं, मैं शेयर कर देता हूँ जैफा के साथ। ठीक है सर, वो हमारा ग्रुप जैफा ग्रुप पर डाल देगा, वो शेयर ठीक कर है देगा सर। फर्दर आगे। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हेलो अच्छा अल्लाह जफा। अरे राना नोयान कौन है? ये ही है शाहजेब है। ये कौन सा